हेलो दोस्तों, आप लोग अमरेश भारती को तो जानते होंगे। अमरेश भारती जो कि दो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जिसमें से एक महात्मा जी टेक्निकल जो 6.67 मिलियन का परिवार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा वी मेक क्रिएटर जिसमें 762K के साथ फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं। अमरेश भारती का जन्म 19 नवंबर 1991 में बिहार के एक छोटे से गाँव में हुआ था। अमरेश गाँव में अपनी माता जी, पिताजी और दो बहनों के साथ गाँव में रहते थे। जब अमरेश जी की दोनों बहनों की शादी होने के बाद परिवार ने निर्णय लिया कि हमें दिल्ली चलना चाहिए। अमरेश जब गांव में थे तब इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी सुविधा थी दिल्ली के मुकाबले में। दिल्ली आकर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के इशू का सामना करना पड़ा। अमरेश सातवीं कक्षा में पढ़ते थे जब वे दिल्ली आ गए थे। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में बेहद सामान्य ड्राइवर की नौकरी करते थे, मगर अमरेश कहते हैं कि उन्हें कभी गरीबी या कम दौलत का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उनके आसपास भी जो लोग रहते थे वह बिल्कुल उन्हीं की तरह सामान्य लोग थे, कोई माली, पलंबर। इस वजह से उन्हें कभी भी गरीबी का एहसास नहीं हुआ था। अमरेश पढ़ाई में ठीक ठाक थे और घर की आर्थिक परिस्थितियों की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। अमरेश ने सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम दी तो वह केवल एक मार्क से फेल हो गए। उनके पिताजी ने बहुत हाथ पैर जोड़ कर उनका एडमिशन करवाया। अमरेश ने देखा कि दिल्ली में लोग पेशन की बात करते हैं, अलग अलग फील्ड की बात करते हैं, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, स्केटिंग वगैरह, और हर 6 महीने में अमरेश कोई नए पेशन के पीछे पड़ जाते थे। लेकिन फिर उन्हें पढ़ाई की वैल्यू समझ में आई। उन्होंने पढ़ाई में मेहनत करी और 10वीं कक्षा में बेहद अच्छे नंबर से पास हुए। ठीक उसी समय उन्हें एक ऐसा झटका लगा, एक ऐसी घटना हुई उनके जीवन में जिस घटना ने उन्हें अंदर से हिला दिया। 11वीं कक्षा में जब अमरेश पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी माता जी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और वह अंदर से बिल्कुल टूट गए। क्योंकि कहते हैं ना, लोगों ने महात्मा जी टेक्निकल के पिताजी को बहुत समझाया कि वह दूसरी शादी कर ले, मगर वह नहीं माने और उसके बदले उन्होंने 17 साल की उम्र में अमरेश की शादी करवा दी। अमरेश की एग्जाम के अगले ही दिन उनकी शादी करवा दी गई। पूरा समाज, सभी दोस्त, सब लोगों ने महात्मा जी टेक्निकल का बहुत मजाक उड़ाया गया बाल विवाह की वजह से। अमरेश महात्मा जी टेक्निकल बनने से पहले, यानी कि यूट्यूबर और ब्लॉगर बनने से पहले, एक शिक्षक हुआ करते थे। हालांकि वह आज भी एक ऐसे टीचर हैं जो यूट्यूबर ना सिखाते हैं, डिजिटल क्रिएटर बनना सिखाते हैं। एक प्रकार से वह आज भी शिक्षक ही हैं। अमरेश भारती ना कि एक अच्छे यूट्यूबर हैं, बल्कि हमें आगे जिंदगी में क्या करना चाहिए उनके लिए हमें मोटिवेट भी करते हैं। आज अमरेश भारती ने अपनी मेहनत और लगन के जरिए एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने। मित्रों, अमरेश भारती बड़े बड़े शो करते हैं, जैसे कि जो स्टॉक में स्पीच दे चुके हैं, दौलत भी कमाई है और उससे ज़्यादा लोगों का प्यार भी उन्होंने कमाया है।